हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अग्निपथ योजना है उसके ऊपर। हमने डिटेल वीडियो तो जरूर दे दी है, और अब हम बात करेंगे क्या क्या बेनिफिट होंगे सरकार को और आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको क्या फायदा मिलेगा। आप अगर भारत के नागरिक है तो आपको फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिल सकता है, सभी को भी बेनिफिट मिलेगा इस चीज से। आपको इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाएगी, यानी कि इस योजना से किन लोगों को ज्यादा फायदा है और किन को बहुत कम फायदा है। यानी कि ओवरऑल बात करें तो हम इस योजना के जो भी फायदे हैं, और एक जो नया अपडेट आया है जो कि पहले था, 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पर अब जो लड़ाई दंगे हो रहे हैं उसको देखते हुए सरकार ने अपना निर्णय बदल लिया है। यानी कि इस साल जो भर्ती होंगी वो 17.5 साल से 23 साल तक के बच्चों के लिए होंगी। यानी कि इसके बाद में तो 17.5 साल से लेके 21 साल तक ही होंगी, पर इस साल 17.5 साल से लेके 23 साल तक भर्तियां होंगी। तो ये ध्यान में रखे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा बदलाव आया है इस योजना में, बस ये इसी साल के लिए है। तो ये तो सबसे बड़ा बदलाव आया है, और अब हम देखेंगे क्या क्या इस योजना से फायदे मिलेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा युवक इस भर्ती का फायदा उठा सकेंगे। यानी कि इस योजना से ज्यादा युवक जो देश प्रेमी है, देशभक्ति करना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इस योजना के तहत भर्ती में जा सकते हैं, यानी कि सेना में जा सकते हैं। और जो भारतीय सेना की जो औसत उम्र है फिलहाल में जो है 32 साल, यानी कि जो एवरेज निकाले तो ये 32 साल निकलती है। पर इस योजना से बहुत बड़ा ये फायदा है कि हर साल इतने जो हजारों में भर्तियां होंगी, तो इससे क्या है कि जो हमारे जो भारतीय सेना की जो औसत आयु निकलती है वो 32 से 26 पहुंच जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया बात है। और उसके बाद में बात की जाए तो जो ये सैनिक लेंगे, जो भर्तियां होंगी, उसमें से 25% को क्या है कि स्थायी तौर पे भर्ती रखा जाएगा, यानी कि स्थायी तौर पर परमानेंट कर दिया जाएगा उन्हें भारतीय सेना में। और जो 75% है उनको क्या है कि उनको रिटायर कर दिया जाएगा, और एक अच्छे पैकेज के साथ में, यानी कि समथिंग 12 लाख रुपए, यानी कि 11,71,000 रुपए आपको दिए जाएंगे रिटायरमेंट के बाद में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप मानो, यानी कि भारत में इस टाइम पे जो 25 तक के जो आयु के लोग हैं, यानी कि बच्चे हैं, उसमें से 2% ही बच्चे हैं जिसकी जो सेविंग 12 लाख रुपए है। यानी कि इससे क्या है कि अगर कोई बच्चा 21 साल की उम्र में भी लगता है तो 4 साल के बाद में, यानी कि 24 साल के बाद में उसके पास 12 लाख रुपए आ जाएंगे अगर वो रिटायर हो जाता है, यानी कि 75% के अंदर आता है तो। और भारत में ये आंकड़ा सिर्फ अभी फिलहाल में 2% है, यानी कि अगर आप देखोगे 25 साल तक की उम्र के बच्चों में सिर्फ 2% ही आते हैं जिनके पास 12 लाख का पूंजी है। और उसके बाद में बात की जाए तो जो सेवानिधि के तौर पर लाभ 12 लाख की जमा पूंजी होगी, यानी कि सेवानिधि जो पैकेज है वो आपको दिया जाएगा अगर आप रिटायर होते हैं तो। और उसके बाद में बात की जाए तो आपका ये क्या है कि 25 की उम्र में आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे, यानी कि जो रिटायर होके आएंगे, यानी कि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी, यानी कि वो एक डिसिप्लिन बंदा होगा। यानी कि उसके रिटायरमेंट के बाद में जो कोई भी काम करेगा, अगर कोई बिजनेस करता है या उसके बाद में अगर किसी भी नौकरी में जाता है, वो वेल डिसिप्लिन होगा, यानी कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अनुशासन होगा, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में रहेगा वो। बहुत बढ़िया बात है ये। और उसके बाद में बात की जाए तो सैनिक को अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि जो रिटायर हो जाएंगे जो कि 75% के अंदर आएंगे, तो उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र। इससे फायदा क्या होगा, आप फायदा देखो, अगर आप लोन के लिए जाते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बाद में तो लोन आपको बहुत ही आसानी से मिलेगा आपको। और इसके अलावा आप अगर और भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, जैसे पुलिस में जाना चाहते हैं, सीआरपीएफ में, असम राइफल में, सीआईएसएफ में, इनमें एक स्पेशल कोटा रखा जाएगा जिनमें इन जो अग्निवीर है उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर वो बाद में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इस प्रमाण पत्र से उनको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद में हम देखेंगे अग्निवीर को पुलिस और सहयोगी बल में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि बहुत मतलब पहले प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो अग्निवीर है, अगर वो पुलिस में जाते हैं या फिर और भी जो सहयोगी बल है उनमें।
जैसे कि सीआरपीएफ, असम राइफल, सीआईएसएफ, इनमें जाएंगे तो उनको प्रॉपर एक प्राथमिकता दी जाएगी। और अभी से ही कई जो राज्य की सरकार है उन्होंने कह दिया है कि हम जो राज्य की जो सरकारी भर्तियां निकलेगी उनको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो अग्निवीर है उनको प्राथमिकता दी जाएगी जो भी सरकारी नौकरी निकलेगी, अभी से ही कई राज्यों ने कह दी है। तो बेफिक्र रहे, जो दंगा वगैरह कर रहे हैं उसमें अराजक तत्व भी हो सकते हैं, जो कि देश को जलाने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, तो दंगा ना करें प्लीज। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप शांतिपूर्वक विरोध करें सरकार का, और ये जो आगजनी कर रहे हैं ये प्लीज ना करें, कोई भी ना करे। इसमें क्या है कि और भी जो अन्य पार्टियां वो भी फायदा उठा लेती हैं जो राजनीति करती हैं। और उसके बाद में बात की जाए तो जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, 2% ही अभी फिलहाल में है, जो कि 25 तक के जो युवा है जिसमें जो 2% आते हैं वही अभी 12 लाख तक पूंजी कमाते हैं। और उससे क्या है कि अब जो ये जो निधि पैकेज मिलेगा आपको, उसमें जो 12 लाख रुपए होंगे उससे आप और भी अच्छा अपना बिजनेस कर सकते हैं। और उसके बाद में बात की जाए तो केंद्र सरकार भी नौकरियों में प्राथमिकता देगी, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। लोन मिलने में आपको आसानी होगी, और अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र से, यानी कि जो प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा अग्निवीर कौशल का, उससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अब मैं ये बताऊंगा कि सरकार को इससे बहुत ज्यादा क्या फायदा मिलेगा। ये तो बात हुई आपकी, जो यानी कि जो साथी सेना में जाना चाहते हैं उनके अंदर देशभक्ति का एक जुनून है, तो अब हम देखेंगे सरकार को इससे क्या फायदा मिलेगा और पूरे देश को क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले बात की जाए तो 2020-21 का जो बजट है उसमें 4.85 लाख करोड़ का जो बजट है, जिसमें से 1.34 लाख करोड़ का तो मतलब वेतन में ही खर्च हो जाता है, यानी कि 4.85 लाख करोड़ में से तो 1.34 लाख करोड़ तो वेतन देने में खर्च हो जाता है। और उसके बाद 1.28 लाख करोड़ जो कि पूर्व सैनिक रहे हैं उनकी पेंशन में खत्म हो जाता है, और बाकी बचा 1.31 लाख जो कि हथियार खरीदने में किया जाता है। यानी कि इस बात से समझ सकते हो कि जो पेंशन वगैरह अभी बंद की है, इससे ये फायदा है कि सेना का आधुनिकीकरण हो जाएगा, यानी कि जो नई नई टेक्निक्स है वो इम्प्लीमेंट होगी, जो भारतीय सेना की शक्ति है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसका कि बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। जो युद्ध होगा, अगर पाकिस्तान जो आग दिखाता है कभी कभी और चाइना आग दिखाता रहता है, उसको हम मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे इस चीज से, यानी कि हम अपना जो ज्यादा से ज्यादा पैसा है, जो बजट में निकलता है सेना के लिए, उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हम आधुनिकीकरण में यूज कर सकेंगे, यानी कि नए नए फाइटर जेट, नए नए हथियार यूज करके, यानी कि खरीद करके हम अपनी सेना को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। ये तो फायदा सभी के लिए है, मतलब अगर कोई भारत का नागरिक है उसको ये चीज सोचनी चाहिए है कि हमारे देश की सेना मजबूत होगी इस योजना से, हमें ये आगजनी वगैरह नहीं करनी चाहिए जो ये दंगे हो रहे हैं, हमको एक शांतिपूर्वक ध्यान से यानी कि विरोध जताना चाहिए, ये आपका अधिकार है पर शांतिपूर्वक होना चाहिए। और अब बात की जाए तो जो मेन मुद्दा था, यानी कि 2 साल तक भर्तियां नहीं निकल रही थी कोरोना के टाइम पे, अब ये है कि इसका समाधान तो सरकार ने कर दिया, यानी कि 21 से बढ़ा के 23 तक कर दी, यानी कि 2 साल का आपको रिलैक्सेशन दे दिया है। तो ये चीज तो आप देखो जो आपके लिए की जानी चाहिए थी, यानी कि जो 2 साल के कारण कुछ बच्चे भारतीय सेना में जाना चाहते थे वो नहीं जा पा रहे थे, तो उसका इलाज कर दिया है भारत सरकार ने, यानी कि 2 साल का जो आपको रिलैक्सेशन दे दिया है, यानी कि आपकी इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं थी, पर वही है कि 2 साल से भर्तियां नहीं निकल रही थी, तो अब उसका भी सरकार ने आपके लिए काम कर दिया है, यानी कि अब इस साल की बता रहा हूँ, इसी साल आपके 17.5 से लेकर 23 साल तक के युवा जा सकते हैं भारतीय सेना में। सो दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस योजना से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, जिससे कि एक प्रॉपर जानकारी अपने दोस्तों को भी देश को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि इस चैनल पे लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है, जो भी कोई सरकार योजना लाती है उसके ऊपर हम प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन लाते हैं, और भी अदर जो भी फील्ड है उनके ऊपर भी हम इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं। सो दोस्तों, हमारे साथ में जुड़े रहें, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहें, हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। और आपको अगर दोस्तों कोई भी क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी एक एक क्वायरी को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।